अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज दुबई में मैं दुनिया का सबसे बड़ा द टॉलेस्ट होटल जो कि है जिवोरा होटल में यहाँ मौजूद हूँ। और मैंने यहाँ पे नाइट स्टे किया। इट वॉज़ अ प्लेजेंट एंड वेरी गुड एक्सपीरियंस। बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यह है कहाँ पर। ये बेसिकली शेख जायद रोड पे है, नियर टू फाइनेंशियल सेंटर। और फ्यूचर ऑफ म्यूजियम भी वॉकिंग डिस्टेंस पे है इसके साथ। बहुत ही ज़्यादा आला एक्सपीरियंस रहा। और यार एटलीस्ट एक चीज़ थी कि मैं दुनिया के सबसे बड़े टॉलेस्ट होटल विज़िट करना चाह रहा था। और यार आई हैड ए ग्रेट एक्सपीरियंस आई मस्ट से। अब बहुत ही खूबसूरत रूम है इनके और बहुत ही आला रूम है। मैं ये कहूँगा, ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा आपका टाइम और आपको दिखाते हैं कि यार रूम कैसा है। आला रूम है, आओ चलो रूम दिखाएं आपको, नाइट व्यू भी और डे व्यू भी। रूम देख लिया आप लोगों ने, कैसा लगा? पसंद आया? मुझे भी बहुत पसंद आया था। तो चलें हम बात करते हैं यहाँ के पूल एरिया की। पूल एरिया भी बड़ा मस्त था यार, बड़ा ज़बरदस्त था, बहुत ही इन्जॉय किया मैंने। और स्विमिंग विमिंग की एक सीन भी हो गया था मेरे साथ पूल में कि जब मैं गोप्रो अपना लेके गया तो उसमें आई डोंट नो कि कैसे पानी चला गया। खैर फिर भी वीडियोस अलहमदिल्ला बन गई वहाँ की भी, तो चलो पूल ही ले चलता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त चाय और ख़ुद बनाई मैंने यहाँ पे, जो इलेक्ट्रिक केटल आप देख रहे हैं ये रही, इसी से बनाई है। बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे ये कि यार ख़ुद ही बनाओ और पियो। ब्रेकफास्ट का ये था कि वहाँ वीडियो बनाना मना था, वरना वो भी आपको ज़रूर दिखाता। सुबह जब मैं उठा, मैं नहाया, ठीक है, नहाने के बाद मैं रेडी हुआ और मैं जिम गया। जिम कैसा लगा आपको? उम्मीद है कि पसंद आया होगा, लेकिन बहुत छोटा जिम था भाई, लेकिन फिर भी इट वॉज़ सफिशेंट और एक्सरसाइज हो गई मेरी, क्योंकि एक एक्सपीरियंस करना था। और मज़े की बात है कि यहाँ पर सुहाना भी था और यहाँ पर स्टीम बाथ भी थी, तो दोनों चीज़ें हैं, वो भी मैंने की। लेकिन अंदर अंधेरा बहुत था तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैं बस आपको एक इसका व्यू ही दिखा रहा हूँ, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हो। तो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि सुहाना तो मैंने लिया हुआ पहले और हैदराबाद में भी है सुहाना और स्टीम भी है, लेकिन एक ये सारी फैसिलिटीज़ अगर आपको एक ही होटल में मिल जाए तो मज़ा आ रहा था। लेट्स टॉक अबाउट द प्राइसेस। तो हम कहीं और बैठ के प्राइसेस की बात करेंगे, आ जाए साथ ही चलता हूँ लेके आपको। प्राइसेस के हवाले से बात कर लूँ कि प्राइसेस जो है ना भाई यहाँ की, मैंने अगोडा से बुक किया इसको, ठीक है को, और अगोडा से जब मैंने इसे बुक किया तो मुझे पाकिस्तानी 29,000 का पड़ा, जो कि टैक्स मिला के 32,000 बने। और यार इतनी प्राइस में ना ब्रो, इतना अच्छा होटल आपको नहीं मिल सकता। इतनी ऊंचाई पे मैं बैठा हुआ हूँ, वर्ल्ड का टॉलेस्ट होटल है, और ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है मेरा और मज़ा बड़ा आया मुझे वैसे यहाँ पर ना। सो एक सीन और हो गया था कि जब मैंने अगोडा से बुक किया तो मैंने अपने एक ईमेल आईडी से बुक कर लिया था। मैं शायद गेस्ट नेम चेंज करना भूल गया, जब मैं यहाँ आया तो पता लगा जी पसूड़ी पै गई है कि भाई ये तो आपके नाम पर नहीं है बुकिंग। मैंने जल्दी से लैपटॉप खोला, नेट कनेक्ट किया तो पता लगा कि भाई ये तो वाकई मेरे नाम पर नहीं है,
ये तो मैंने अपनी ईमेल आईडी डली हुई उसके ऊपर। फिर मैंने अगोडा से कांटेक्ट किया, देर वॉज अ पर्सन अनुज ऑन रिसेप्शन, ही हेल्प मी टू मच यार, ही इज सच अ नाइस पर्सन। अनुज थैंक यू सो मच, और मैं आपका थैंक्स कहना चाहूँगा अनुज कि आपने मुझे सपोर्ट किया, मुझे नंबर दिया अगोडा का, क्योंकि नेट पे जो नंबर था वो लग नहीं रहा था। खैर मज़ा आ गया भाई सच्ची, जब भी आना ना एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि मुझे डिस्काउंटेड प्राइस में पड़ा, वरना ये 1,77,000 रुपये का है ये होटल, कैन यू बिलीव दैट? और मुझे 80% डिस्काउंट में मिला, अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से 70-80% था, तो मुझे इतना कम में मिला। और ज़रूर आओ यार, और इन्जॉय करो द व्यूज़ एंड ऑल, स्विमिंग एरिया इसका सुहाना, इसका जिम। नाश्ते का सीन ये था कि भाई मुझे वीडियो नहीं बना सका वहाँ पर, क्योंकि अलाउ नहीं था, लोग बुरा मनाते हैं यहाँ पे, मैंने नोट किया दुबई में स्पेशली, वहाँ तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ मलेशिया और थाईलैंड में, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम हुआ, तो खैर मैं बना नहीं सका उसकी वीडियोज़। हाँ नाश्ते के मैंने अलग पे कर किए, क्योंकि नाश्ता जो है ना भाई वो इस प्राइस में नहीं आ रहा था। तो अच्छा, पाकिस्तान की जो मैं जब नाश्ता ऐड इंक्लूड कर रहा था, तो उसमें तकरीबन कॉस्ट मुझे पड़ रही थी 14,000 फॉर नाश्ता, फॉर ब्रेकफास्ट। बट जब मैंने यहाँ पर किया ना इसको, यहाँ पर आकर, तो इट वॉज़ जस्ट इन 99 दिरहम, यानी पाकिस्तानी 7,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली बन रहे थे। तो यार मैंने कहा इतनी दूर आए, इतना खर्चा करा है, तो यार क्यों ना एक होटल का नाश्ता ही कर लें। खैर क्लोजिंग नोट करता हूँ भाई और निकलता हूँ बस, अब क्योंकि चेकआउट करना है। टाइम मैंने इनसे थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लिया था, और उन्होंने मुझे टाइम दिया भी। एक व्यू और दिखा दूँ आपको अपने साथ साथ खड़ा होकर, यहाँ बात कर लेता हूँ आपसे, ये देखें यार क्या लश व्यू है यार, कसम खुदा की मज़ा आ रहा था कसम से देख देख के ना। और आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू स्टे इन जिवोरा होटल, द वर्ल्ड टॉलेस्ट होटल, क्या बात है। खैर वीडियो पसंद आया ना तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे प्रेस करना, और लाजमी आना। अगोड़ा से बुक कर लो, booking.com से बुक कर लो, जहाँ से आपको फिजिबल है, यहाँ के बुक कर लो, ऑनलाइन बुक कर लो इनकी वेबसाइट से, तो आप कर सकते हो। दुआ में याद रखना भाई, पैकिंग करनी है अब जल्दी जल्दी, मुझे निकलना है, तो ख्याल रखें अपना। मज़ा आया भाई मुझे तो यहाँ पर, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबको यहाँ लेकर आए, और हर एक एक्सपीरियंसेस हो लाइफ में। मेरी यार वीडियोस देखो भाई, मेरी वीडियोस को पसंद करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अल्लाह हाफिज़।